मानव इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव है, जिसने अपनी बुद्धि के बल पर प्रकृति के हर नियम को जानने की कोशिश की है। ये मानव की ही बुद्धि की क्षमता है कि जहाँ दूसरे जीव आज भी जंगलों में रहते हैं, वहीं मनुष्य जंगलों से निकलकर गांव और शहरों तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, लगातार विकास करता मानव आज अंतरिक्ष की गहराइयों तक में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो गया है। मानव की कल्पना की उड़ान बहुत ही ऊंची है। उसकी इसी कल्पना की उड़ान के कारण जो कुछ भी आज हम देखते हैं वह संभव हो पाया है। रात के आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर शुरू से ही मनुष्य इसके बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करता था, लेकिन इसी के साथ उसके मन में सवाल भी बहुत से खड़े होते थे। ये ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, ये काम कैसे करता है और ये कब तक काम करेगा और कब से काम कर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मनुष्य का सामना ऐसे सवालों से भी हुआ कि हमारा ये ब्रह्मांड बना कैसे। तो अपनी कल्पनाओं को उड़ान देते हुए मानव ने अपनी शार्प इंटेलिजेंस के बल पर हर एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जब मनुष्य अंतरिक्ष में जाने के सपने देखता था, तब से मनुष्य अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा है। जहां अंतरिक्ष में जा पाना पिछली शताब्दी से ही संभव हो पाया है, तो वहीं अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने का सिलसिला इससे काफी पुराना है। रात के आकाश में चमकते सितारे हमेशा से मनुष्य के दिमाग में ये सवाल खड़ा करते हुए आए हैं कि दिखाई देने वाले ये तारे कितने बड़े हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए मनुष्य ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जो उसके सारे सवालों का जवाब ढूंढने में उसकी हेल्प कर सकता था। और मनुष्य के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट ने उसे बताया कि जिसे वो एक छोटी सी जगह समझता है, वो बहुत ही बड़ी है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया ये पहला उपकरण एक छोटी सी दूरबीन थी, जिसने उसे आकाश की गहराइयों में पास से झांकने का मौका दिया। और इस आविष्कार के बाद मनुष्य जमीन पर रहकर के ही आकाश की गहराइयों तक देखने की कोशिश करता था। वो इसमें कामयाब भी हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में बनाई गई उसकी दूरबीन उसे इस अंतरिक्ष में सिर्फ एक सीमा तक ही झांकने की परमिशन दे सकती थी। तो दूरबीन से जितनी दूरी तक अंतरिक्ष में मनुष्य देख पाया, उसके बाद उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो इससे भी आगे देखने की कोशिश करने लगा। और अपनी इसी कोशिश में वो एक से एक वेल डेवलप्ड टेलीस्कोप बनाने लगा। उसकी इन्हीं कोशिशों की वजह से वो अंतरिक्ष में हर बार और भी ज्यादा दूर तक देखने में सफल हो सका। जब जब मनुष्य अंतरिक्ष में और ज्यादा गहराई में देखता, तो हर बार उसके सामने एक से बढ़कर एक नया राज खुलता जाता। हर बार उसकी बनी बनाई धारणाएं टूट जाती। उसके सामने हर बार एक ऐसा संसार सामने आता जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो हर बार मिलने वाले एक नए अनुभव ने उसे बहुत ज्यादा एनर्जी से भर दिया। शुरुआती दौर में मनुष्य ने जो भी दूरबीन बनाई, वे सब धरती से ही मेंटेन की जाती थी। धरती पर ही मौजूद होने और यहीं से काम करने की वजह से ये टेलीस्कोप टेक्निकली अंतरिक्ष के बहुत से रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सकती थी, क्योंकि अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रोशनी धरती के वायुमंडल से होकर जब गुजरती है, तो वह रिफ्रैक्शन की वजह से अपने रास्ते से भटक जाती है, जिसके कारण तस्वीरों में धुंधलापन आ जाता है। इसी धुंधलेपन को दूर करने की कोशिशों में मनुष्य को ध्यान आया कि उसे अपने टेलीस्कोप को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर वायुमंडल जैसी कोई चीज ही ना हो। अब सवाल ये था कि धरती पर इस तरह की कौन सी जगह है? हम जानते हैं कि धरती पर ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहां पर वायुमंडल की उपस्थिति नहीं हो। इस आइडिया का इशारा सीधे सीधे अंतरिक्ष की ओर था। यानी इस आइडिया के अनुसार और ज्यादा क्लैरिटी वाली फोटोज लेने के लिए मनुष्य को अपने टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहिए। जिस समय इस विचार को दुनिया के सामने रखा गया, उस समय मनुष्य अंतरिक्ष में जाने की सिर्फ कोशिशें ही कर रहा था, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। जिस समय मनुष्य अंतरिक्ष सुरक्षित नहीं जा पा रहा था, और ऐसे समय में ये कल्पना करना कि अंतरिक्ष में टेलीस्कोप को स्थापित करना चाहिए, ये तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा आगे की सोच थी।
लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मनुष्य ने नामुमकिन से लगने वाले इस सपने को भी पूरा कर लिया और अंतरिक्ष में हबल टेलीस्कोप को स्थापित किया। हबल टेलीस्कोप ने मनुष्य को अंतरिक्ष की उन गहराइयों तक झांकने का मौका दिया जहां तक मनुष्य आज से पहले नहीं पहुंच पाया था। उन गहराइयों में झांकने पर मनुष्य को इस ब्रह्मांड से जुड़े अनेक रहस्यों की जानकारी हुई। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में एक सीमा तक ही देख पाता है। उस सीमा से आगे देखने के लिए हमें हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा आधुनिक और ज्यादा फीचर्स वाले टेलीस्कोप की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है एक ऐसे टेलीस्कोप की जो हबल टेलीस्कोप के डीप स्पेस से भी आगे जाकर हमें स्पेस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी दे सके। हमें एक ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जो हमारे ऐसे सवालों के जवाब दे पाए जिनके जवाब हबल टेलीस्कोप से कभी नहीं मिल सकते। हबल टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की है। वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की सहायता से लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित ग्रहों और तारों को देख पाना आसान हो गया। इससे वैज्ञानिकों को इस बात का अंदाजा हो गया कि हमारा सूर्य और हमारा ये सौर मंडल इस ब्रह्मांड में एक धूल के छोटे से कण के बराबर भी अस्तित्व नहीं रखते हैं। ये हबल टेलीस्कोप का ही कमाल था कि जिससे हम ये जान पाए कि हमारी जैसी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में मौजूद हैं। ये हबल टेलीस्कोप की ही सफलता थी कि हम ये जान पाए कि इस ब्रह्मांड में नजर आने वाली एक छोटी सी जगह में भी लगभग 10,000 गैलेक्सी हो सकती है। इस अनोखी जानकारी ने तो वैज्ञानिकों के होश ही उड़ा दिए। लेकिन हबल टेलीस्कोप इस सीमा से आगे नहीं देख पाता है। इस सीमा से आगे देखने पर ही हमें इस बात की जानकारी मिल सकती है कि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ, यानी बिग बैंग की घटना के तुरंत बाद क्या हुआ, किस तरह से इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और कब पहली बार कोई तारा दिखाई दिया। ऐसे सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की आवश्यकता थी जो ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में भी आसानी से झांक सकता हो, और ये काम हबल टेलीस्कोप के बस का तो नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के शुरुआती समय यानी बिग बैंग से आने वाली किरणें इंफ्रारेड किरणें होती हैं, और इन रेज को देखने के लिए हमें अंतरिक्ष में इंफ्रारेड टेलीस्कोप को स्थापित करना होगा। साल 1996 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में झांकने के लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की आवश्यकता है जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यानी माइनस में भी काफी नीचे तक के तापमान पर काम कर सके। ब्रह्मांड के शुरुआती पलों से आने वाली रोशनी इंफ्रारेड होती है, और इन इंफ्रारेड लाइट को देखने की कैपेसिटी हबल टेलीस्कोप में नहीं है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप जिस जगह पर अंतरिक्ष में मौजूद है वहां पर ये सूरज से आने वाली सौर किरणों से गर्म हो जाता है, और इसी गर्मी की वजह से ये इंफ्रारेड किरणों को नहीं देख पाता। इसलिए नए टेलीस्कोप के लिए जगह भी ढूंढना सबसे बड़ा फैक्टर था। नए टेलीस्कोप को ऐसी जगह पर लगाना था जहां पर सूरज से आने वाली और विकिरणों का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर ये सीधे और विकिरणों के संपर्क में नहीं आए। इस तरह से साल 1996 में पहली बार एक ऐसे टेलीस्कोप की परिकल्पना की गई जो बिग बैंग तक को देख सकता हो, यानी दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की परिकल्पना की गई, जिसे नाम दिया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब वैज्ञानिकों को जेम्स वेब को ऐसा टेलीस्कोप बनाना था जो वजन में काफी हल्का हो, जिसके लेंस अभी तक बनाए गए जितने भी टेलीस्कोप है उनमें से सबसे बड़ा हो। इस बड़े लेंस का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए ताकि इसे आसानी से अंतरिक्ष में सुरक्षित स्थापित किया जा सके। इसके लिए दिन रात कोशिशें की जाने लगी। अंतरिक्ष की गहराइयों में दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी था कि इसका वजन कम किया जाए। इसके लिए यह आवश्यकता थी इसके लेंस का वजन बहुत ही कम हो, क्योंकि किसी भी टेलीस्कोप में उसका अधिकतर द्रव्यमान उसके लेंस का ही होता है। इसलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में एक ऐसे लेंस की परिकल्पना की गई जिसमें कांच की बहुत ही पतली परत का उपयोग किया जा सकता हो। इस रिफ्लेक्टर को बनाने के लिए पहले ये तय किया गया कि कांच की पतली परत पर सिलिकॉन कार्बाइड की परत चढ़ाई जाएगी,
लेकिन अंत में यह तय किया गया कि कांच की जगह सोने की बेरिलियम लगी परत चढ़ाई जाएगी, जो कि कांच से भी ज्यादा रिफ्लेक्टर का काम करेगा। शुरुआत में जब इस टेलीस्कोप को बनाने की प्लानिंग की गई थी, तब इसका नाम TRW रखा गया, लेकिन 2002 में इसका नाम नासा के एक वैज्ञानिक जेम्स वेब के नाम पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया। वैज्ञानिक MP जेम्स वेब ने अपोलो कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को लीड किया था और साथ ही साथ ये अपोलो कार्यक्रम के एक मुख्य वैज्ञानिक भी थे। इन्हें सम्मान देने के लिए नासा ने इस टेलीस्कोप का नाम PRW से बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया। साल 1996 में तय किया गया था कि अगली पीढ़ी के उन्नत टेलीस्कोप को साल 2002 के अंत में अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन हर बार इसके लॉन्च की तारीख लगातार टलती ही रही। इस लॉन्चिंग को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि 2002 तक तो इसके डिजाइन को ही अप्रूवल नहीं दिया गया। साल 2010 में इस टेलीस्कोप के डिजाइन को अप्रूव किया गया। इस टेलीस्कोप का डिजाइन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वैज्ञानिकों को एक ऐसे टेलीस्कोप का डिजाइन तैयार करना था जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, क्योंकि जिस कक्षा में इस टेलीस्कोप को स्थापित किया जाना था उस कक्षा में होने वाली किसी भी छोटी सी गलती को सुधार पाना मानव के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ऐसे डिजाइन की जरूरत थी जिसमें गलती होने की संभावनाएं 0% हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा मिशन तबाह हो सकता था। वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि जिस तरह से हबल टेलीस्कोप के साथ जो भी हुआ ठीक वैसा ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ भी हो। तो जब हबल टेलीस्कोप को पहली बार अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें एक बहुत ही छोटी सी गलती हो गई है। जब पहली बार अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद हबल टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की तस्वीरें खींची गई, तो ये उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। अनुमान लगाया गया था कि जब अंतरिक्ष में हबल टेलीस्कोप को स्थापित कर दिया जाएगा तो वहां से अंतरिक्ष की गहराइयों की ऐसी तस्वीरें ली जा सकती हैं जो धरती से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हबल टेलीस्कोप से मिली पहली तस्वीर ने वैज्ञानिकों की उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जांच करने पर पता चला कि हबल टेलीस्कोप के मुख्य लेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है और ये लेंस अपनी जगह से मनुष्य के बाल की मोटाई की दूरी तक खिसक गया है, और इसी वजह से हबल टेलीस्कोप उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। अब वैज्ञानिकों को फिर से एक मिशन तैयार करना था जो हबल टेलीस्कोप तक जाकर के उसे रिपेयर कर सके। इस मिशन में वैसे खतरा बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने रिस्क लेना उचित समझा। हालांकि बाद में यह मिशन पूरी तरह से सफल हुआ और हबल टेलीस्कोप वैज्ञानिकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा, लेकिन इस तरह की हल्की सी गलती भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि किस कक्षा में इसे स्थापित किया जाना है वहां तक आज तक मनुष्य अपना कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं चला पाया है। इसलिए डिजाइनिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी रुकावट थी। जब ये रुकावट पार कर ली गई, तब एक बार फिर से स्पेस टेलीस्कोप की नई लॉन्चिंग डेट 2015 तय की गई, लेकिन एक बार फिर से काम पूरा नहीं हो पाने की वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट टाल दी गई। अब एक बार फिर से ये तय किया गया कि साल 2018 में इसे लॉन्च किया जाएगा। तो पहले इस टेलीस्कोप का डिजाइन इस मिशन का सबसे बड़ा टारगेट था, तो वहीं अब वैज्ञानिकों के सामने उससे भी बड़ा टारगेट इसके लेंस थे, क्योंकि ये लेंस अभी तक के सबसे बड़े लेंस थे और इतने बड़े लेंस को अंतरिक्ष में स्थापित कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तय किया गया कि ओरिगामी की तरह इसके लेंस को बनाया जाएगा। ओरिगामी जापान की एक पेपर कला है जिसमें पेपर को अलग अलग साइज में मोड़ करके उसकी अलग अलग शेप तैयार की जाती है। यहाँ भी तय किया गया कि इस टेलीस्कोप के लेंस को अलग अलग शेप में मोड़ करके तैयार किया जाए और जब इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाए तब ये वहां पर खुल करके एक बड़े लेंस में बदल जाए। इसके लेंस को हेक्सागोनल शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और इन्हें एक रोबोटिक आर्म से जोड़ा गया, ताकि अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद इन्हीं रोबोटिक आर्म से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बड़ा लैंड असेंबल किया जा सके। इसका काम साल 2015 के नवंबर से शुरू हुआ और 3 फरवरी 2016 में इसके फर्स्ट लेंस का काम पूरा कर लिया गया। तो वहीं 3 मार्च 2016 तक इसके सेकेंडरी लेंस का काम भी पूरा कर लिया गया।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नवंबर 2016 के आते आते पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तैयार होने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अब हार्ड टेस्टिंग से गुजरना था। इस टेस्टिंग में पास होने के बाद ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा सकता था। वैज्ञानिकों ने इस स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग डेट मार्च 2018 तय की थी, लेकिन वैज्ञानिक इस बड़े प्रोजेक्ट में कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग एक बार फिर से टाल दी। अब की बार इसकी लॉन्चिंग 2 साल आगे बढ़ा दी गई। नई लॉन्चिंग डेट मई 2020 तय की गई ताकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी हर एक टेस्टिंग को बारीकी से पूरा किया जा सके। इसमें होने वाली हर एक गलती को धरती पर ही सुधारा जा सके। मार्च 2018 में होने वाली लॉन्चिंग को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टेस्टिंग चल रही थी, तब एक टेस्टिंग के दौरान इसकी सनशील्ड फट गई। जांच करने पर पता चला कि सनशील्ड से जुड़े इसके वायर को अच्छे से नहीं कसा गया था और इस वजह से इसकी लॉन्चिंग डेट एक बार फिर से टालनी पड़ी। साल 2018 में नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से जुड़ी टेस्टिंग की समीक्षा के लिए एक मीटिंग बुलाई और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की समीक्षा की गई तो पाया गया कि इसमें लगभग 344 गलतियां थी। जब तक इन गलतियों को सुधार नहीं लिया जाता, तब तक लॉन्च कर पाना मुमकिन नहीं था। वैज्ञानिकों की हर एक टेस्टिंग पर खरा उतरने के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को एरियाना 5 रॉकेट से फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। अप्रैल 2022 तक अंतरिक्ष में इसकी टेस्टिंग होनी है और मई 2022 से ये पूरी तरह से उपयोग में आने के लिए तैयार होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव की अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी परियोजना है। ये स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में आने वाले 20 सालों तक लगातार काम करेगा। अगर हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के वजन की बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से आधा ही वजनी है, जबकि इसका लेंस हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 18 अलग अलग हेक्सागोनल मिरर से मिलकर के बना हुआ है जो लगभग 6.5 मीटर के व्यास में फैले हुए हैं। इन मिरर को चमकदार बनाने के लिए सोना और बेरिलियम की पतली परत चढ़ाई गई है। अगर हम बात करें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लाइट कलेक्टर फील्ड की तो ये हबल टेलीस्कोप के कलेक्टर फील्ड से लगभग 6.25 गुना ज्यादा बड़ा है। इसमें सोने की परत इसलिए चढ़ाई गई है ताकि ये इंफ्रारेड परावर्तक में भी आसानी से काम कर सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को मुख्यतः इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन यह ऑरेंज और रेड कलर की लाइट फील्ड को भी आसानी से देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा धुंधली तस्वीरों को साफ साफ देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बिग बैंग के बाद लगभग 180 मिलियन वर्ष बाद बने पहले तारे के निर्माण प्रक्रिया को देखा जा सकता है। इस टेलीस्कोप की सहायता से इस ब्रह्मांड में जन्म लेने वाली पहली आकाशगंगा का भी पता लगाया जा सकता है। अंतरिक्ष में हमसे जो ऑब्जेक्ट्स जितनी ज्यादा दूरी पर होते हैं और जितने ज्यादा पुराने होते हैं वो उतना ही ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाता है, जिसका मतलब है कि इन ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी दिखाई देने वाली रोशनी से बदलकर इंफ्रारेड में बदल जाती है, जिसकी वजह से ये हमें सामान्य टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देती है। इन्हें सिर्फ इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है, इसलिए हाई रेड शिफ्ट वाली चीजों को देखने के लिए ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया है। जगह को L2 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्थापित करने पर ये टेलीस्कोप धरती का चक्कर नहीं लगाएगा, जबकि इससे पहले स्थापित किए जाने वाले सभी टेलीस्कोप धरती का चक्कर लगाते थे। L2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेलीस्कोप को स्थापित करने पर ये सूर्य की परिक्रमा धरती के साथ साथ करेगा। इसका सीधा सा मतलब है ये धरती से देखने पर एकदम स्थिर नजर आएगा। ये लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे पॉइंट होते हैं जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थापित करने पर वो स्थिर अवस्था में रहता है। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने का फायदा ये है कि इसे लगातार चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में ऐसे 5 L पॉइंट है और इन L पॉइंट में से L2 और L3 पॉइंट सूर्य और धरती के साथ
एक ही सीधी लाइन में स्थित है, तो वहीं L4 और L5 पॉइंट को अपेक्स पॉइंट माना जाता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर इसलिए स्थापित किया गया है क्योंकि L1 पॉइंट पर नासा की सोलर एंड हेलियोस्फीयरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अभी भी काम कर रही है। L2 पॉइंट अंतरिक्ष में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लिए एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सूर्य, पृथ्वी और जेम्स वेब टेलीस्कोप एक सीधी रेखा में आते हैं। इस वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक हीट वेव से इस टेलीस्कोप की सुरक्षा लंबे समय तक होती रहेगी, जिससे ये लंबे समय तक एकदम एक्यूरेट तरीके से काम करता रहेगा। तो वहीं अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली इंफ्रारेड रेज को भी सही तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा। इस पॉइंट पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने के बाद भी ये धरती, चंद्रमा और सूर्य से आने वाली गर्मी से नहीं बच सकती है। इस गर्मी से इस टेलीस्कोप को बचाने के लिए इसके चारों तरफ सनशील्ड लगाई गई है, जिससे इसे गर्म होने से बचाया जा सके। अगर ये टेलीस्कोप थोड़ा भी गर्म हो जाता है तो इससे हमें मिलने वाला डेटा पूरी तरह से बदल जाएगा। इस टेलीस्कोप में लगाई गई सनशील्ड इसके तापमान को 0 डिग्री से काफी नीचे तक कंट्रोल करके रख सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष से आने वाले इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए माइनस में 223.2 डिग्री सेल्सियस पर काम करने वाले इंफ्रारेड डिटेक्टर की आवश्यकता होगी। इसलिए धरती की गर्मी और सूर्य के प्रकाश से इसे बचाने के लिए इसे सनशील्ड से कवर किया गया है। इस टेलीस्कोप में जिस सनशील्ड का उपयोग किया गया है वो 5 परत की है। हर एक परत की मोटाई मनुष्य के बाल की जितनी है। ये एक विशेष प्रकार की पॉलीमाइड लेयर है जिसके दोनों ओर एल्यूमिनियम का लेप किया गया है। इस टेलीस्कोप के मिरर को एडजस्ट करने के लिए 132 छोटी छोटी मोटरों को काम में लिया गया है। इन 132 मोटर्स में से 126 मोटर्स का काम इसके फर्स्ट मिरर के कर्वेचर को ठीक करना है, तो वहीं 6 मोटर्स का काम सेकेंडरी मिरर के कर्वेचर को एक्यूरेट तरीके से उसकी जगह पर बनाए रखना है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के अपने जीवन काल के 4 मिशन है। पहले मिशन के तहत इस टेलीस्कोप को बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाश गंगा का पता लगाना है और सबसे पहले बने तारे की खोज करनी है। दूसरा मिशन है कि किस तरह से आकाश गंगाएं अस्तित्व में आई और किस तरह से उनका विकास हुआ। इस टेलीस्कोप का तीसरा मिशन पहली बार तारों का निर्माण कब हुआ और हमें दिखाई देने वाले ग्रहों जैसी ये प्रणालियां किस तरह से विकसित हुई। चौथा मिशन धरती पर जीवन की उत्पत्ति कहां से, कैसे और कब हुई। तो इन सारे सवालों के जवाब हमें इंफ्रारेड लाइट से ही मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों के कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब ब्रह्मांड का निर्माण एक छोटे से पॉइंट यानी बिग बैंग से हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद तक ये ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा घना था। यहाँ किसी प्रकार की कोई आकाश गंगा अस्तित्व में नहीं आई थी और ना ही किसी तारे का जन्म हुआ था। वैज्ञानिकों का सवाल यह है कि आखिर 40 करोड़ साल बाद इस ब्रह्मांड में अचानक ऐसा क्या हुआ कि तारे अस्तित्व में आ गए और आकाश गंगाएं विकसित होने लगी। बिग बैंग के बाद जब ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, तब इस ब्रह्मांड में स्वतंत्र प्रोटोन और स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का ही राज था। उस समय इस ब्रह्मांड का तापमान बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे तापमान गिरने लगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन आपस में मिलने लगे और पहले फोटोन का जन्म हुआ। इसी पहले फोटोन ने जन्म दिया हाइड्रोजन के पहले परमाणु को। पहले फोटोन के जन्म के बाद हमारा ये ब्रह्मांड पारदर्शी होने लगा। ब्रह्मांड में इस तरह के परिवर्तन किस वजह से हुए, वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पहले तारे का जन्म हुआ होगा तो ये तारा आज के सूर्य से लगभग 30 से 300 गुना ज्यादा बड़े थे। इन तारों से निकलने वाला पराबैंगनी प्रकाश इतना पावरफुल था कि ये इस ब्रह्मांड में बने पहले हाइड्रोजन परमाणु को ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आसानी से तोड़ सकता था। हाइड्रोजन परमाणु के फिर से आयन में बदलने की इस घटना को पुनः आयनीकरण युग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुनः आयनीकरण के इस युग के समय ब्रह्मांड की आयु करीब करीब 1 अरब साल थी। लेकिन वैज्ञानिक नहीं जानते कि पहले तारे का जन्म कब हुआ था और कब पुनः आयनीकरण की ये प्रक्रिया शुरू हुई।
उम्मीद है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इन सारे सवालों के जवाब आसानी से दे सकती है। इस घटना के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को विकसित करने वाला एक बीज है जिसने बड़े बड़े तारों का निर्माण किया है। अभी तक वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में बने बड़े बड़े तारों में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये तारे बड़े बड़े ब्लैक होल यानी क्वासर में बदल गए। इन्हीं क्वासर के चारों ओर आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकना चाहते हैं। इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की संरचना को समझने में आसानी होगी। वैज्ञानिक इससे ये भी समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड किस तरह से अस्तित्व में आया और किस तरह से इसका आकार इतना बड़ा हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक समय में काफी पीछे जाकर ये देखना चाहते हैं कि आकाश गंगाओं का जन्म हुआ कैसे, क्योंकि आकाश गंगाएं ही इस ब्रह्मांड को बनाने में सेल्स का काम करती है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में छोटी छोटी आकाश गंगाओं का ही अस्तित्व था। ये आकाश गंगाएं स्टेबल नहीं थी। इन आकाश गंगाओं ने आसपास की आकाश गंगाओं को अपने अंदर समेटते हुए अपने आकार को बढ़ाया होगा। इस तरह की घटनाएं आज भी इस ब्रह्मांड में देखी जा सकती है, जैसे मंदाकिनी आकाश गंगा अपने आसपास के तारों को अपने अंदर समेट रही है और अपने आकार को बढ़ा रही है। तो वहीं हमारी मिल्की वे आकाश गंगा की तरफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी बढ़ रही है, जो आने वाले अरबों सालों के बाद हमारी मिल्की वे आकाश गंगा से टकरा जाएगी और इसी में समा जाएगी। इसलिए ब्रह्मांड से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आकाश गंगाएं किस तरह से अस्तित्व में आई, इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। हमने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है, लेकिन अभी तक हमारे कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ। हम ये भी नहीं जानते कि इनके विशेष आकार का निर्धारण किस वजह से होता है। हम ये भी नहीं जानते कि आकाश गंगाओं के अंदर तारे किस तरह से बनते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि आकाश गंगा में किस तरह से अलग अलग प्रकार के मटीरियल बनते हैं। तो वहीं हर एक आकाश गंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल क्यों होता है। हम मानते हैं कि तारों का जन्म धूल और गैस के बादलों की वजह से हुआ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि धूल और गैस के बादलों की वजह से किस तरीके से एक तारे का जन्म हुआ। हम नहीं जानते कि धूल और गैस के बादलों के बीच ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी रिएक्शन शुरू हुई और एक तारे का अस्तित्व सामने आया। हम नहीं जानते कि किस तरह से धूल और गैस के बादलों से तारों का जन्म हुआ और उन तारों के जन्म के समय ही किस तरह से ग्रहों का भी जन्म हुआ। हम ये भी नहीं जानते कि बनने वाले ज्यादातर तारे ग्रुप में ही क्यों बनते हैं। हम ये भी नहीं जानते कि एक तारे के अंदर किस तरीके से धातुओं का निर्माण होता है और किस तरीके से वे इन धातुओं को इस अंतरिक्ष में दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ देते हैं। वैसे सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही दे सकता है। इस एक टेलीस्कोप पर ही हमारे सभी वैज्ञानिकों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में कुछ विशेष प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में लगाया गया पहला उपकरण नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है। ये एक विशेष प्रकार का कैमरा है जो अंतरिक्ष में एक साथ 100 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्टडी कर सकता है। इस टेलीस्कोप में मिट इंफ्रारेड नाम के एक दूसरे विशेष प्रकार के उपकरण को भी लगाया गया है। ये अंतरिक्ष से आने वाली मीडियम रेंज की इंफ्रारेड रेज को और लो रेगुलेशन वाली लाइट को डिटेक्ट करने का काम करेगा। इसके द्वारा वैज्ञानिकों को कोरोनाग्राफिक तस्वीरें मिल पाएंगी और इस टेलीस्कोप की जान इसका मिरर है, जो 18 हेक्सागोनल मिरर से मिलकर के बना हुआ है, जिसका व्यास करीब 1.3 मीटर है। तो वहीं इसका वजन करीब 20 किलोग्राम है। अब सवाल ये हो सकता है कि इतने बड़े और खर्चीले मिशन की जरूरत ही क्या थी, क्यों ना हबल टेलीस्कोप के मिरर को ही बड़ा बना दिया जाता। तो इसका जवाब है कि हबल टेलीस्कोप में जिस तरह के मिरर को काम में लिया गया है, उस तरह के मिरर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जितना बड़ा बनाना और उसे हबल टेलीस्कोप में लगाना काफी ज्यादा मुश्किल टास्क था, क्योंकि इसकी वजह से इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इस कारण से टीम के सदस्यों ने बेरिलियम धातु से इसके मिरर को बनाने का निश्चय किया, क्योंकि बेरिलियम धातु अपने वजन के अनुपात में काफी ज्यादा हल्की होती है।
साथ ही साथ ये एक मिरर की तरह आसानी से काम भी कर सकती है। इसके अलावा बेरिलियम के इस मिरर की एक खास बात ये भी है कि ये किसी भी तापमान पर अपने आकार को आसानी से बनाए रख सकती है। साथ ही साथ इसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। इन सभी खूबियों के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। इसे धरती की अंतरिक्ष को देखने वाली आंख भी कहा जाता है। हमारी आंख आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े कितने सारे रहस्यों से पर्दा उठा पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि ये मानव इतिहास और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा।